खाला होता तुम्हें दोगी नहीं। कितनी बार मना किया है कि रोड से कुछ भी नहीं खाने का। गर्म पानी पियो, दोनों इतनी बड़ी हो गई हो लेकिन खुद का ध्यान भी नहीं रख सकती। अगर देख पानी पी। कुछ लोगों के लिए सपने वो होते हैं जो वो रात को सोते वक्त देखते हैं, और कुछ लोगों के लिए सपने वो होते हैं जो उन्हें सोने ही नहीं देते हैं, दिन का चैन और रातों की नींद उड़ा देते हैं। सपने देखने का हक हम सबको है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने की कोशिश ही हमें औरों से अलग बनाती है, हमें अलग पहचान देती है। और इन सपनों का जन्म उम्र के उसी पड़ाव में हो जाता है जहां से हमारे नन्हे कदम जिंदगी की सीढ़ियां चढ़ना बस सीख ही रहे होते हैं। निक्कर पहन के लड़कियां कबड्डी खेल रही हैं। गनीमत है कि आजकल के बच्चे कम से कम चड्डी पहनकर तो निकलते हैं। देख वो दिन दूर नहीं है जब लोग बिना कपड़े पहने हुए रोड पे घूमते दिखेंगे। लेकिन एक बात है, इनको देख के ना इतनी दूर जॉगिंग पे आने की सारी थकान निकल जाती है। चला। इसी बीच कई बार समाज, परिवार और पैसों जैसे कई बंधन हमारे सपनों को पूरा होने से रोकते हैं, लेकिन इन सब से टकराते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं और फिर एक दिन सफलता के शिखर पर पहुंच ही जाते हैं। प्रियंका, 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 देख ये पैर फंसा रही है ना, वैसे फंसाएंगे। अरे बस कबड्डी कबड्डी कबड्डी, जब देखो तब तुम लोगों को मौज मस्ती सुस्ती है बात। भाई शपथ, आज ना ये टीवी फोड़ देता, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। बाबा बाबा बाबा, अहो अहो काय करते तुम्ही? नाम दुबाने पैदा हुए सारे। अहो टीवी पुढे क्यों चालो बाबा, क्यों चालो तुम्ही टीवी? अहो बाबा असं काय कर रहे बाबा, बस माई या बाबा। मटन गुडे? मटन नहीं आज। मटन नहीं है? तेरे को पता है ना मेरे को रोज रात को खाने में मटन चिकन लगता है, फिर क्यों नहीं बनाया तूने मटन चिकन? 5,000 रुपए देते हो मुझे, उसमें से महीना खत्म होते होते 1,500-2,000 वापस भी ले लेते हो। अगर रोज 100 रुपए का मटन आएगा तो बाकी का काम कैसे चलेगा? तू साली। आई तो क्या करूं मैं, क्या करूं मैं साली, हाँ क्या करूं मैं, बैंक लूट लूं जाके। ये देख आगे साली, तू बोल तो इन तीनों को कहीं बेच के आऊं, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा साला। बाबा हट, 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 भाग दे से, चल। बहुत हो गया इसका, एक दिन में इसका किस्सा ही खत्म कर दूंगी, फिर मुझे जेल हो या फांसी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी जोर से बातें करते हो तुम लोग, अगर इनके कान में पड़ी तो जानते हो ना क्या होगा। आए बस जाला, बस इस राक्षस के साथ रहने से अच्छा है कि हम कोई दूर भाग जाए। आई बस कुछ दिन की बात और है, एक बार कबड्डी टीम में हमारा सिलेक्शन हो जाए फिर देखना हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मैं हूं ना तेरे साथ, सारी चीजों से छुटकारा दिलवाऊंगी मैं।
चलो उठो, इतनी देर तक कोई सोता है क्या? कोमल, कोमल कुटी है? आई मुझे नहीं पता। ये लड़की कहाँ चली गई? इसे बिना बताए लड़की भी ना। अगर कोमल से कपड़े नहीं दिसते, ये लड़की कहाँ चली गई? ये सुबह सुबह धनी प्रियंका शांति इकड़े आ रही हूँ। हाँ नहीं, लड़की कहाँ चली गई? उसका एक भी सामान यहाँ नहीं दिख रहा है, तो कहीं भाग भाग तो नहीं गई किसी के साथ? तुम दोनों को कुछ बोला क्या उसने? खरा खरा बोला? नहीं आई, ताई ने कुछ भी नहीं बोला। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, जाओ ढूंढो उसे, मैं भी उसे देखती हूँ। जाओ। वो आई। क्या हुआ? कोमल का कुछ पता चला? हाय, दीदी को सब जगह ढूंढ लिया पर कहीं नहीं दिखी। हे देवा, लगते तेरे पापा को बोलना पड़ेगा। कोमल का सगा पसंद कहीं पता नहीं है? नहीं, हमने सब जगह ढूंढा लेकिन वो मिली नहीं। लगते हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। बोल बोली तू, पुलिस में जाना चाहिए हमको, पुलिस में जाना चाहिए। दोन मिनट थाम निहाल, दोन मिनट थाम। साहब, माझी मोटी मुलगी कोमल परसों रात से घर नहीं आई। कुछ बता के नहीं गई, कहाँ जा रही है? नहीं साहब, सुबह उठ के उसके कमरे में गई तो नहीं थी। उसका कुछ भी सामान घर पे नहीं, उसका बैग और सारे कपड़े गायब थे। तुम्हारा माइती है? आप लोग कुछ बोल के गई कहाँ जा रही है? किसी के साथ अफेयर था इसका? नहीं सर। आप लोगों के अलावा घर में और कौन रहते? सर मेरे पति दत्ता मांडल कबड्डी एकेडमी के मैदान के देखभाल का काम करते। वो क्यों नहीं आए पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने? साहब वो थोड़े अलग स्वभाव के। तो क्या चाहती है कि पुलिस स्टेशन में जाके सारी दुनिया के सामने मैं अपना नाक कटवा लूं? मैं क्या बोलूं उनको, किसके साथ भागी है वो, क्या बोलूं? ये कोमल कौन से कॉलेज में पढ़ती है? जनता कॉलेज। घर में कोई परेशानी नहीं थी कोमल को? बहुत हो गया इसका, एक दिन में ऐसा किस्सा ही खत्म कर दूंगी, फिर मुझे जेल हो या फांसी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं सर, कोई परेशानी नहीं थी। ठीक है, अभी आप लोग चले जाइए, अगर कोमल के बारे में कुछ पता चलता है तो हम लोग आपको इन्फॉर्म करें। जी सर। कुलकर्णी, मुझे नहीं लगता कि कोमल गायब हो गई है। सर मुझे तो इस केस के हर एंगल में झोल नजर आता है, जवान बेटी घर से गायब है और बाप कंप्लेंट लिखाने भी नहीं आया, पर पत्नी भी अपने पति के बारे में कुछ खास खुल के नहीं बताया। साहब वो थोड़े अलग स्वभाव के। कोमल के आस पड़ोस कॉलेज और एकेडमी में उसके और उसके फैमिली के बारे में पूछताछ, कुछ ना कुछ तो काम की इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी हमें। चलो। अरे ये तो अपनी कोमल बेटी है साहब, दत्ता की बेटी। दो दिन से कोमल गायब है, आपको कुछ पता है उसके बारे में? नहीं नहीं साहब, उसके बारे में अपने को कुछ पता नहीं है साहब, पर साहब ये तीनों लड़कियां बहुत अच्छी हैं। समय से आती हैं, अपना खेल कूद करती हैं और समय से घर चली जाती है सर। और ये दत्ता, ये कैसा आदमी है? दत्ता साहब थोड़ा सनकी आदमी है सर, काम बरोबर करता है पर उसके बच्चों पे उसकी दहशत बहुत है सर। अरे आजगाई भक्ति, मैं हूँ, सब दारू वारू सब छोड़ दिया मैंने। सब छोड़ दिया? हाँ, आज न जाने कैसे मंदिर में जाने का मन किया, सीधा जाके मंदिर में बैठ गया, बाबा ने आशीर्वाद भी दिया। ये देख धागा बांध के आया हो, शाम को फिर दारू पीने का मन ही नहीं किया मालूम? अरे हट,
मंदिर जाके ऐसा लगा ना, अरे मन का बोझ ऐसा हल्का हो गया है। रेशमा, सुना है तुम कोमल की बहुत अच्छी दोस्त हो। जी साहब, कॉलेज में कोमल मेरे साथ ही बैठती थी और वो मेरे टीम में कबड्डी भी खेलती थी, और जिस टीम में हम दोनों होते थे हमें कोई नहीं हरा सकता था। दत्तक, अपने बेटियों के साथ बर्ताव कैसा था? साहब, वो सब कबड्डियाँ खेलती हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनकर दिन भर उठा पटक करती रहती हैं। सब कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं जो उनकी कबड्डी देखने के लिए तरसते हैं। साहब, इनको देख के ना इतनी दूर जॉगिंग पे आने की सारी थकान निकल जाती है। इसलिए दत्ता नहीं चाहता कि उनकी बेटियां कबड्डी खेलें। तो दत्ता ने कबड्डी खेलने से रोका क्यों नहीं? रोकेगा कैसे साहब, उसी के बदौलत तो उसके चिकन और दारू का व्यवस्था होता है साहब। मतलब? साहब, वो एकेडमी के प्रबंधक लोग हैं ना, उन्होंने साफ बोल दिया है कि जब तक तुम्हारी बेटी कबड्डी खेलेंगी तब तक तुम्हारा घर और नौकरी रहेगा। साहब, अगर दत्ता ने अपनी बेटी को कबड्डी खेलने से मना कर दिया ना साहब, उसको अपनी जिंदगी के साथ कबड्डी खेलना पड़ेगा। दो दिन पहले जब कोमल गायब हुई थी तो मैं देखा था उसे? नहीं साहब, नहीं देखा। सर, ये दत्ता बहुत ही जालिम आदमी है, उसके घर से ना रोज ही चिल्लम चिल्ली की आवाजें आती हैं, वो ना अपने बीबी बच्चों के साथ मारपीट भी करता है। निर्मला जी, आपने तो हमें कुछ बताया नहीं, लेकिन लोगों ने आपके पति की काफी तारीफ की है। हाँ साहब, आप जो कह रहे हैं वो सही है, वो हम लोगों के साथ मारपीट करते, अच्छे से बात भी नहीं करते, लेकिन मैं 100% कह सकती हूँ कि वो किसी की जान नहीं ले सकते। तो क्या कर सकते हैं? एक तरफ आप कह रही है कि कोमल को कोई परेशानी नहीं थी और बाहर लोग दत्ता के गुणगान गा रहे। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। हमारे पास कोई भी गवाह नहीं जिसने कोमल को जाते वक्त देखा है, ना ही फैमिली मेंबर्स, ना ही आस पड़ोस में, ना ही सिक्योरिटी गार्ड, ना ही कोमल को बस स्टॉप पर देखा गया है, ना ही रेलवे स्टेशन पर। कोमल ने अब तक किसी फ्रेंड को भी कांटेक्ट नहीं किया, ना कोई फोन कॉल, ना कोई बैंक ट्रांजैक्शन, ऐसा लगता है इसे हवा में गायब हो गई है। यही पता करना है कि कोमल हवा में गायब हुई है या उसे गायब किया गया है। सुबह उठ के उसके कमरे में गई तो नहीं थी, उसका कुछ भी सामान घर पे नहीं है। सर, कोमल का बाप दत्ता जब से कोमल गायब हुई है एक बार भी पुलिस स्टेशन इंक्वायरी के लिए नहीं आया। उठा कर लेकर आओ इस दत्ता को। दत्ता मांडरे, बता तेरी बेटी कोमल कहाँ है? देख दत्ता, हमारे पेशेंस ट्राई मत कर, अगर हम चुप बैठ गए ना तो हमारा डंडा बात करेगा। तेरे मारपीट से तंग आकर वो घर छोड़ के चली गई ना, या कहीं ऐसा तो नहीं कि मारपीट के दरमियान उसकी मौत हो गई और उसकी बॉडी को तूने कहीं ठिकाने लगा दिया? वाह साहब वाह, अरे जन्म दिया उसको साहब, चलने को सिखाया, बड़ा किया, तब कहाँ थे साहब? एक बात बता, जिस रात कोमल घर से भाग गई थी तू कहाँ था? तुझे भनक भी नहीं लगी? अरे साहब, भनक लगती तो क्या मैं उसको जाने देता साहब? ठीक है जा तू, लेकिन एक बात याद रखना, शहर के बाहर कदम भी मत रखना। शिंदे, नजर रखना इस पर, ये दत्ता जितना दिखाता है उतना सीधा है नहीं। और हाँ, वो आत्महत्या वाला एंगल भी चेक करो और हॉस्पिटल चेक करो, कोमल के डिस्क्रिप्शन से मैच खाती हुई कोई बॉडी है या नहीं। कोमल के पास मोबाइल नहीं है, उसकी फोटो जो हम लोगों ने सर्क्यूलेट की थी उसकी डिटेल्स ले। चल पीछे हट, नहीं तो आई शपथ तुम लोगों के टुकड़े करके ना इधर ही गाड़ देगा मैं। और नहीं होने दूंगी। आई चल तू मेरे साथ। हाँ ठीक है, मियत है। शिंदे, कहीं कोई अनआइडेंटिफाइड बॉडी की रिपोर्ट? कोई रिपोर्ट नहीं सर। इस दत्ता के घर पे 24 घंटे नजर रखो और मोहल्ले में भी जाके पता करो। मुझे लगता है कोमल के घर में उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी वजह से वो घर छोड़ के चली गई। कोई साहब, आओ थोड़े पैसे पाइजू होते। पैसे? वो उस दिन दिए थे वो? 2000 रुपए तो दिए थे, उसमें और कितने दिन चलाओ? ये देख सुन, पैसे नहीं है मेरे पास और मांगना भी मत, पूरी दुनिया को मौत आती है तेरे को छोड़ के, पता नहीं साला कब मरेगी तू। प्रियंका आज तू जा। आई शांति को भेजो ना। पिछली बार शांति गई थी, इस बार तू जा, कोमल रहती तो वही सब करती। जा। आई
लौकर तैयार हो। अच्छा सुनो, संभाल के जाना, पैसे सब गिन के लेके आना, ठीक है? तो सब पैसे के लिए हमेशा रोते रहता है, पर हाँ निर्मला का हिसाब की बड़ी पक्की है, बिना पैसे सामने रखे कभी कुछ मांगती ही नहीं। मैडम ये दत्ता की फाइनेंशियल कंडीशन कैसे है, मतलब ये फीस वीस का खर्चा कैसे निकालता है? सर दत्ता की लड़कियाँ काफी टैलेंटेड हैं, इसकी वजह से दत्ता की सारी प्रॉब्लम सॉल्व्ड है। कुछ पैसे हमारी एकेडमी स्पॉन्सर कर देती है, पर इतनी मदद से घर का खर्च चलाना मुश्किल तो होता होगा ना सर। थैंक यू कुलकर्णी, ये केस जितना दिखता है उतना आसान है नहीं। इस दत्ता की कमाई 54 खर्चा रुपया। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि निर्मला ने अपने ऊपरी खर्चों को पूरा करने के लिए अपनी बेटियों के जरिए कोई दूसरा रास्ता निकाला हो, पर इसे परेशान होकर कोमल घर छोड़ के चली गई। अब तक तो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उससे तो यही लगता है। साहब मेरे पति की कमाई घर खर्चे के लिए काफी नहीं थी, इसलिए मैंने पहले सोचा कि घर चलाने के लिए मैं भी इनकी कुछ मदद करूं, लेकिन मेरी इन बातों का उन्होंने अपना अहंकार बना लिया। खुद दारू पीकर कहीं गटर में गिरे तो वो चल जाता है, लेकिन घर की औरत बाहर जाके काम करे तो उनकी नाक नीचे होती। इसलिए मैंने चुपके से सिलाई मशीन खरीदी। मैं छोटे बच्चे के पहनने वाले कपड़े बनाती हूँ, मेरे छोटे चचेरे देवर की कपड़ों की दुकान, बस उससे ही लेकर सिलकर देती हूँ। साहब आप मुझसे कुछ मत बोलिए, मेरी कोमल का कुछ पता चल गया? नहीं अभी तक नहीं, पर हम लोग ढूंढ रहे हैं उसे। इस केस में इन सवालों के जवाब मिलने अब भी बाकी थे कि कोमल कहां गई, किसके साथ गई और क्यों गई। पुलिस के लिए कोमल का पिता अब भी प्राइम सस्पेक्ट था। पुलिस को जो जानकारी मिली थी उसके हिसाब से दत्ता नशे का आदी था और बहुत गुस्से वाला आदमी था। नशा और गुस्सा जुर्म होने का सबसे बड़ा कारण बनते हैं, कहीं कोमल के लापता होने का कारण भी यही गुस्सा और नशा तो नहीं बने थे? दूसरी तरफ प्रियंका और शांति की चुप्पी भी बहुत कुछ कह रही थी। दत्ता के साथ साथ अब प्रियंका और शांति भी पुलिस की रडार पर थे। सर अभी भी दत्ता की सबसे छोटी बेटी प्रियंका को मैंने एक दुकान तक फॉलो किया है। सर लेकिन एक अजीब सी बात हुई। सर वो दुकानदार से पता नहीं किस बात पे लड़ रही थी। तुमने कुछ सुना? नहीं सर। तीनों महीने के फोटो आसपास के लोगों को दिखाना और पता करो कि इन तीनों का किसी के साथ कोई अफेयर था या नहीं। तेरे और कोमल के बीच क्या था रे? हमने सुना बहुत करीबी रिश्ता था। करीबी रिश्ता विश्ता कुछ नहीं था, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं साहब। सच सच बता दे वरना मार के निशान छुपा नहीं पाएगा तू। ओ साहब, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर साहब आपको शायद पता नहीं कोमल अपने बाबा से बहुत डरती थी। ही बात, कल फिल्म देख के लेट गई इसीलिए। संतोष मुझे अब वहां नहीं रहना है, चलो ना हम कहीं भाग चलते हैं। भाग चलते हैं? अब भाग के जाएंगे कहाँ? तेरे पापा को पता नहीं चलेगा? अरे वो तो तुझे फिर भी छोड़ देगा, पर मेरी मेरी तो लाश तक नहीं मिलेगी। तेरी इतनी फटती है तो फिर प्यार क्यों किया? उसको मैं अपने घर पे लेके जा नहीं सकता क्योंकि मेरे घर वाले उसे अपनाएंगे नहीं, और उसके बाबा से तो सबकी फटती थी। फिर हम लोगों ने तय किया कि हम भाग जाते हैं, और उस रात बताई हुई जगह पे मैं पहुंच गया और वहां कोमल का इंतजार करने लगा, पर साहब कोमल आई ही नहीं। कुछ देर और इंतजार करने के बाद मैं अपने घर वापस लौट आया। आप चाहो तो कंफर्म कर लो, मैं कोई कहानी वानी नहीं बना रहा हूँ साहब। ए, कहानी में से हकीकत ढूंढना हमें अच्छी तरीके से आता है, तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ, सच सच बता दे
बाद में ये मत कहना कि मौका नहीं दिया था। शिंदे आशिक है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन कुलकर्णी अगर ये सच बोल रहा है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि दत्ता ने ऑनर किलिंग की हो। क्या मैच चल रहा है? देख देख क्या, अरे थोड़ी सी निकर ऊपर होता तो मजा आ जाता, और मजा आ जाता। क्या सफेद टांगे दिख रही है। ए, हम किधर? हाँ आज से ना तुम दोनों का घर से बाहर निकलना बंद। अगर घर से बाहर कदम रखा तो आए शपथ दोनों की टांगे तोड़ के रख दूंगा। चल अंदर चल। इनकी पढ़ाई खेल कूद बंद करने से कोमल वापस आ जाएगी क्या? मेरे को अब अपनी नाक नहीं कटवानी, समझी ना? इन दोनों की शादी करवा के इनको कैसे भी करके ये घर से रफा दफा करना है मेरे को बस। अब क्यों ऐसा कर रहे? क्या किया हम लोगों ने? क्या किया मेरे से पूछ लो तू, क्या किया तू? ए उठ 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 उठ, चल अंदर दोनों, अंदर चल दोनों, अंदर चल, चल चल अंदर। चाप इधर बैठने का समझी ना, बाहर नहीं आने का। बैठ बैठ बस। हाँ मैं तुमसे पूरे हाथ जोड़ती, कॉलेज में जाने दीजिए उनको। कांचन मैडम ने कहा है कि आज उनका सिलेक्शन होने वाला, अगर आज सिलेक्शन हो गया तो उनको अच्छी नौकरी मिलेगी। अरे सिलेक्शन विलेक्शन क्या, बाहर में तुम लोगों की वजह से पुलिस ने कुत्ते की तरह मारा है मुझे, पूरी इज्जत उतारी है मेरी, और अब अपनी बेटियों की कमाई खा के मैं अपनी इज्जत और उतारू? हाँ कहीं नहीं जाएंगी ये दोनों, यहीं रहेंगी, समझी ना? मैडम हम कबड्डी नहीं खेलेंगे। क्यों, फिर क्या खेलोगे तुम लोग? हम कुछ भी खेलेंगे पर कबड्डी नहीं खेलेंगे, बाबा ने हमको मना किया है। झूठ बोल रहे हो तुम लोग। पिछली बार जब दत्ता आया था तो कह रहा था बड़ा नाज है उसे बेटियों पे, प्रैक्टिस के डर से तो नहीं तुम लोग ये सारे बहाने बना रही हो? चलो वार्म अप शुरू करो, कोई बहाना नहीं चलेगा तुम दोनों का। मायते ना तुम्हारा स्टेट लेवल पे सेलेक्ट होने वाली हो, और अगर सेलेक्ट हो गई तो लाइफ टाइम के लिए सरकारी नौकरी मिलेगी। नहीं मैडम हम आज से ही नहीं खेलेंगे। अरे अरे सुनो, कोच मैम ये कहाँ गए? 4 दिन में सिलेक्शन है, तेरी पार्टनर कोमल तो पहले ही जा चुकी है, अब ये भी ना बोल रही है, तू ही समझा इनको वरना कुछ नहीं हो पाएगा, समझी ना? ये ले नोटिस है साहब। हमको पढ़ना लिखना किधर आता है साहब? सुनना समझना तो आता है ना? हाँ वो तो सुना है, तुम्हारी बेटियां आज से खेलने नहीं आएंगी। देख जितना पानी नहीं दिया होगा ना तुमने इस मैदान को, उससे कहीं ज्यादा पसीना बहाया तुम्हारी बेटियों ने इस मैदान पर, और आज जब उस मेहनत का फल लेने की बारी आई है तू ऐसा कर रहा है। देख तुम्हारी बेटी अगर खेली नहीं ना तो ना तुम्हारी नौकरी रहेगी ना तुम्हारा घर, ये लिखा है इस नोटिस में। अरे साहब जलील करना था तो 2-4 गाली दे देते साहब, आपने तो सीधे मेरी औकात दिखा दी। ऐसा लग रहा है जैसे बेटियों के फेंके टुकड़े ये सब। ऐसा ही समझ ले, कल सुबह 7 बजे अगर शांति और प्रियंका मैदान पर नहीं दिखाई दी ना तो तुम्हें अपनी क्वार्टर खाली करनी पड़ेगी, समझ गया तुम? चल जा। दत्ता जैसे लोग हमारे समाज में हमें अक्सर देखने को मिलते हैं जो अपनी खोखली आन और झूठी शान के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। ऐसी मानसिकता के लोगों का दूसरों के सपनों से कोई सरोकार नहीं होता, वो सिर्फ मैं मैं और मैं की भाषा ही बोलते हैं। अपनी दकियानूसी विचारधारा को सही बताने के लिए, अपना महत्व जताने के लिए वो कुछ भी कर बैठते हैं। इस केस में पुलिस का अब तक उठाया हर कदम उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहा था जिसके आगे सिर्फ डेड एंड दिखाई दे रहा था। कोमल का अब तक कुछ पता नहीं था, और इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस को और भी पेचीदा बना दिया। कॉलेज में कोमल मेरे साथ ही बैठती थी और वो मेरे टीम में कबड्डी भी खेलती थी। कुलकर्णी आजू बाजू का मिलते का बगा बॉडी सगा था दिखूनी पाई ली। मी बगीचा सर, मैं जा रहा था कि मुझे जोर से आई तो मैं इधर आया तो देखा ये लाश पड़ी है, मैं तो बहुत घबरा गया सर, फिर मैंने आपको फोन किया। ठीक है सर, आसपास कुछ नहीं मिला, पर्स मोबाइल कुछ नहीं, कोई मर्डर वेपन भी नहीं है सर। कुलकर्णी ताज्जुब की बात यह है कि दोनों हाथों की कलाइयां काटी हुई है, पहले कोमल गायब हुई अब रेशमा का मर्डर हुआ।
दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थी, एक ही एकेडमी से कबड्डी खेलती थी। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता, रेशमा से जुड़ी छोटी सी छोटी और बड़ी से बड़ी हर डिटेल इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। हो सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, अल्लाह, मेरी बच्ची, अरे अब से ऐसा क्या गुनाह हो गया? रेशमा की लाश मिलने के बाद पुलिस ने अपनी छानबीन और तेज कर दी। पुलिस इस पहलू पर गौर कर रही थी कि मृत रेशमा और लापता कोमल दोनों ही कबड्डी एकेडमी से जुड़े हुए थे। सर, अब तक मिली इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कबड्डी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वाली 6 लड़कियां थी, जिनमें से 2 का सिलेक्ट होना फाइनल, रेशमा और कोमल। कुलकर्णी, गायब भी 6 में से वही 2 लड़कियां हुई है जो कबड्डी अच्छा खेलती थी। तो ऐसा तो नहीं कि कॉम्पिटिशन कम करने के चक्कर में कोई ये सब कर रहा है। रेशमा का मर्डर और कोमल का गायब होना, इन दोनों में एक चीज 100% कॉमन है, कबड्डी एकेडमी। सर, कोमल और रेशमा ये दोनों हमारे एकेडमी को रिप्रेजेंट करने वाले मेन खिलाड़ी थे। स्टेट लेवल पे खेलना तो दूर, अब पार्टिसिपेट करना भी पॉसिबल नहीं है। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, यहाँ किसी की एज और अकल इतनी ज्यादा नहीं कि ये सब प्लान कर सके, और वो भी महज एक सिलेक्शन के लिए, मुझे तो ये इम्पॉसिबल लगता है। इन लड़कियों का आपस में कैसा कनेक्शन था? सर, इनकी आपस में सबसे बनती थी, कभी कोई झगड़ा भी नहीं सुना। टीम में जो और लड़कियाँ सिलेक्ट हुई थी उनके नाम क्या? शांति, प्रियंका, पिंकी पाटिल, नेत्रा अभनवे। ठीक है सर, एकेडमी के सभी लड़कियों का बैकग्राउंड चेक किया, सभी के बैकग्राउंड्स क्लियर है सिवाय एक के। कौन? पिंकी पाटिल। ये भी उन 6 शॉर्टलिस्टेड लड़कियों में से एक है। इसके पिता काफी पावरफुल और पैसे वाले हैं, अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि इस पूरे कांड के पीछे इस पिंकी पाटिल का हाथ है या फिर उसके बाप का? तो इसमें क्या है, हार जीत तो खेल में चलती रहती, और वैसे भी इस बार मैं पिंकी को पुणे भेजने की सोच रहा हूँ। तितेमाजी चांगली सेटिंग है, ये हो जाएगी वहां पे सिलेक्ट। बेचारी इस बार ठीक से प्रैक्टिस भी नहीं कर पाई थी, शादी थी मेरे बड़े बेटे की। बहुत प्यार करते हैं अपनी बेटी से आप? जी हाँ, बहुत ज्यादा। इसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ इसे। पाटिल साहब, ये ऐसा तो नहीं दुनिया की हर खुशी देने के चक्कर में आप कुछ ऐसा तो नहीं कर बैठे जो आपको नहीं करना चाहिए? सर, तुम्हें निश्चिंत रहा, इस तरह के काम मैं नहीं करता। सर, वी वर राइट, रेशमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसकी हत्या की गई। कुलकर्णी, समझ में नहीं आ रहा कि रेशमा की हत्या कोई क्यों करेगा, पुरानी दुश्मनी वाला एंगल हो सकता है। सर, शांति आत्महत्या करने जा रही थी, ये आदमी ने उसकी जान बचाई। क्या? हाँ साहब, शांति पटरी पे चली जा रही थी, हमने उसकी जान बचाई। और कहाँ घर जाओ, पहले कोमल गायब हुई, फिर रेशमा की हत्या हुई, और अब शांति आत्महत्या करने जा रही थी। कुलकर्णी, ये चल क्या रहा है? रेशमा के घर चलते हैं। पुलिस के लिए चुनौतियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। एक सीधे साधे घर की कबड्डी स्पोर्ट्स में सक्रिय इन साधारण लड़कियों की जिंदगी में ऐसा क्या चल रहा था कि इस तरह के भयानक नतीजे सामने आ रहे थे? ये प्रतियोगिता को लेकर इनका संघर्ष था या फिर इनके सपने मिट्टी में बदल गए थे? कबड्डी के खेल में एक उज्ज्वल भविष्य को तलाशते और अपने सपनों को पूरा करने की राह में आखिर उनके सामने ऐसा कौन सा डरावना मोड़ आया जहां से सफलता की सीढ़ी की तरफ बढ़ते उनके कदम जिंदगी को खत्म करने वाली पगडंडी की तरफ मुड़ गए? बहरहाल, पुलिस ने इस इंतहाई संजीदा केस को सुलझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और जी जान से इस गुत्थी को सुलझाने में जुट गई। सर, रेशमा की किताब से ये सुसाइड नोट मिला है, लेकिन इस पे की तारीख रेशमा के मर्डर के 3 पहले की है। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से रेशमा का मर्डर हुआ। समझ में नहीं आ रहा कि जो लड़की खुद मरना चाहती थी उसे कोई क्यों मारेगा? आप बता सकते कि रेशमा खुदकुशी क्यों करना चाहती थी? पता नहीं सर, स्कूल के मार्क्स से लेकर स्पोर्ट्स, घर, सब जगह बिल्कुल परफेक्ट थी मेरी लड़की। अगर हमें जरा सा भी अंदाजा होता कि उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से वो इतनी तकलीफ में है, तो हम उससे बात करते, कोई रास्ता निकालते। कुलकर्णी, कुछ तो झोल है। रेशमा और शांति दोनों अच्छे दोस्त, दोनों एक साथ पढ़ते थे, खेलते थे, और दोनों को सुसाइड करना था।
अब सवाल ये है कि उनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि दोनों को सुसाइड करना था, और इस सवाल का जवाब शांति हमें देगी। शांति कहाँ है? सर, शांति अभी तक घर लौट कर नहीं आई है। तुम लोगों ने शांति की मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? सर, ये तो आपका आई बाबा ही बता सकते हैं। अरे आई बाबा कुछ है? बाबा काम पर है और आई भाजी लेने गई है। सब मैं कॉलेज निकलती हूँ। सर, शांति आखिरी बार परसों शाम को देखी थी, उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं। कुलकर्णी, शांति की फोटो हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो, पर अपने खबरियों को बोलो काम पे लग जाए। सर। ओके। आगे सिग्नल से राइट लेना और बाईपास रोड से गाड़ी लेना। क्या है सब? और ये कोमल तेरे साथ कब से है? साहब, मतलब माफ करा साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। कोमल को मैंने लाख समझाने की कोशिश की कि ये अपने घर वापस चली जाए, पर ये मानी ही नहीं, अपनी जिद पड़ी रही। और इसका बाप आदमी नहीं जल्लाद है साहब। अब मैं भी क्या करता, मुझे भी तरस आ गया और मैंने इससे शादी कर ली। तेरे घर वालों को पता है? नहीं साहब, मेरे घर वालों को पता चल गया तो वो तो मेरी खाल उधेड़ देंगे। अच्छा, और इस डर से रेशमा और शांति, इन दोनों के मरने की बात तुम दोनों ने छुपाई। सर, इसने मुझे रेशमा के बारे में बताया था, पर शांति? शांति कल से गायब है, हम लोग ढूंढ रहे हैं उसे। ये ऐसा तो नहीं कि उसके गायब होने में तुम दोनों का हाथ है? सर, मुझे कुछ नहीं पता। जिस दिन रेशमा का खून हुआ उसे मैं यहाँ थी। मैं ये गांव छोड़ के कहीं नहीं जा सकती सर, किसी ने देख लिया तो बवाल खड़ा हो जाएगा। और जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती आप दोनों गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, समझे? कुलकर्णी, ये रेशमा और शांति, ये दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है? कि ऐसा तो नहीं कि रेशमा का मर्डर करने के बाद शांति ने गिल्ट में आके खुदकुशी करने की सोची? अब पता ये करना है कि शांति भी कोमल की तरह खुद से गायब हुई है या उसे किसी ने भगा कर ले गया है। ये शांति का लापता होना और रेशमा का मर्डर, ये दोनों केसेस पेचीदा है। कोमल के घर वालों को इन्फॉर्म करो कि वो मिल चुकी है। सर, सब तेरी वजह से हुआ है साहब, सब तेरी वजह से हुआ है। साला सपने मिलके मेरी साला कुलकर्णी, सारे मुर्दा घरों में चेक किया तूने? कोई अनआइडेंटिफाइड बॉडी जो शांति के डिटेल से मैच करती? नहीं सर, अब तक ऐसी किसी अनआइडेंटिफाइड बॉडी की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। हमने शांति की फोटो को हर तरफ सर्कुलेट कर दिया है। इंस्पेक्टर वाघमारे बोलते हैं क्या? तू मेरे कहने भागी थी, आप उसको कुछ मत करो। ये मेरे कहने भागी थी बाबा, चल दत्ता चाकू छोड़, एक पकड़ जाला। अर्पण, अर्पण भी कहीं चले? अरे मैंने कुछ नहीं किया। मैं दत्ता का लड़कियों का कबड्डी खेलना पसंद नहीं था, कहीं ये रेशमा और शांति इन दोनों मर्डर्स के पीछे दत्ता का हाथ तो नहीं? सर पॉसिबल तो है। निर्मला, मला सांगा ऐसा क्या हुआ था जो शांति ने खुदकुशी करने की कोशिश की? माझी मोटी मुलगी कोमल कमजोर आहे, पण माझ्या सर्वात छोटी मुलगी प्रियंका वो गुस्से वाली, लेकिन शांति जो एक ही थी, जो हालात को संभालना जानती थी, बहुत समझदार थी मेरी बच्ची। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो ऐसा उल्टा सोच भी सकती।
रेशमा और शांति की प्रॉब्लम क्या थी ये बात तो अब तक पता ही नहीं चली है। सर, प्रियंका के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिली। सर, इस लड़की प्रियंका के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ और इसकी मौत की वजह कलाई की नस काटने से हुई है। आई थिंक इट्स अ क्लियर केस ऑफ सुसाइड। एक्सक्यूज मी, प्रियंका की मौत महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। 100% प्रियंका की मौत इस केस का ही हिस्सा है। कुलकर्णी, इस प्रियंका के बारे में सब कुछ पता करो। क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड था, कोई उसका पीछा करता था, कोई उसे परेशान करता था, सब कुछ। और अगर ऐसी कोई बात होगी तो प्रियंका ने यह बात जरूर किसी न किसी के साथ शेयर की होगी। सर, प्रियंका का पूरा बैकग्राउंड चेक किया। बॉयफ्रेंड क्या, उसे तो कभी किसी लड़के के साथ भी नहीं देखा गया। सर एक मिनट, आप ही ऐसा कुलकर्णी क्या? शांति, रेशमा को किसने मारा? सर, हम दोनों एक अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहते थे, यही हमारा सपना था। कबड्डी खेलना बहुत अच्छा लगता था और हमारे लिए बहुत जरूरी भी था। सर, जरूरी इसलिए था क्योंकि कबड्डी के जरिए हमें एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल सकती थी। लेकिन एक रोज, अरे चौक क्यों गई? कोई लिवर किडनी देने को नहीं बोल रही हो? बस थोड़ी देर की तो बात है, और वैसे भी तुम लोग अब रियल वर्ल्ड में कदम रखने जा रहे हो। वहाँ गिव एंड टेक तो चलता है, मंजे लेन देन, समझ ला ना? तो एक आध तुम लोग थोड़ा दो और उसके बदले थोड़ा लो, और फिर करियर ऐसे ही थोड़ी ना बनता है, उसके लिए कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है। वो हम लोग को एक बंगलों में लेके जाया करती थी और वहां पर हम लोगों के बदन के साथ खेला जाता था। हम लोग चुपचाप होकर सब कुछ सहन करते थे, सब कुछ। नहीं, मुझे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। प्रियंका चलो यहाँ से। वो कुछ और ही सोच रही थी। आई बाबा, नौकरी, हमारी जिंदगी, इनके बारे में सोचो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा होगा ना? मैंने सोचा है, मुझे आगे बढ़ना है। प्रियंका, हमने कंचन मैडम से बार बार पूछा, लेकिन देखो तुम्हारा सिलेक्शन जब होगा तब होगा। लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ है ना, उसे किसी और को बोला तो तुम्हें नहीं पता क्या क्या जाएगा। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे बाप की नौकरी, तुम्हारा घर, सब कुछ। इसलिए अपनी जबान पे ताला लगाओ और चुपचाप खेलती रहो। उस दिन के बाद से हमने कई बार जान देने की कोशिश की। मैं और रेशमा एक सुनसान जगह पर गए। रेशमा ने मुझसे बोला, मुझे नहीं होगा, एक काम कर, तू ना इसे काट दे मेरी, मैं तो अपनी काट लेना। खुद की नस काटने की हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद मैं रेलवे ट्रैक पर गई, वहां मुझे किसी ने बचाया। फिर उसके बाद मैंने जहर खरीदा और पी लिया। प्रियंका की मौत कैसी हुई? प्रियंका को सबसे ज्यादा बुरा लगा था कि
क्योंकि उसने वो सब किया जो उससे कहा गया, लेकिन सपनों के साथ वो भी टूट गई और आत्महत्या कर ली। दत्ता ने अपनी बेटियों के मन में इतना खौफ भर दिया था कि वो खुलकर अपनी समस्याओं के बारे में घर पर किसी से बात नहीं कर सकती थी। इसलिए उन्होंने निराश होकर अपने तरीके से अपनी मुश्किलों का हल निकाला, जो उन्हें मौत की आगोश तक ले गया। उनके सपने तो टूटे ही, लेकिन साथ ही उनकी हस्ती खेलती जिंदगी भी तबाह हो गई। बस कैसी रही ट्रेनिंग आपकी कंचन जी? मला माफ करा सर, दरअसल मेरे कांटेक्ट में कुछ बड़े लोग हैं जिनको खुश करके पैसा कमाने के लिए मैंने इन लड़कियों का टीम में सिलेक्शन का बहाना बनाकर उन्हें सप्लाई किया था। शांति और प्रियंका अपने परिवार के लिए कुछ कर गुजरना चाहते थे, इसलिए वो मेरे झांसे में आ गए। लेकिन कोमल का तो कहीं अफेयर चल रहा था, इसलिए वो मेरे हाथ नहीं आई। तुमने सिर्फ कबड्डी जैसे खेल को बदनाम नहीं किया, बल्कि तुम औरत जात पे भी एक कलंक हो। माँ बाप के बाद सबसे बड़ा दर्जा एक शिक्षक का होता है, और तुमने अपने स्टूडेंट्स के करियर के साथ ही नहीं बल्कि उनके परिवार के जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ किया है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कंचन ने अपने निजी स्वार्थ के लिए इन लड़कियों का इस्तेमाल करके ना सिर्फ कोच के पेशे से छल किया, बल्कि कबड्डी जैसे साफ सुथरे खेल को बदनाम करने की भी कोशिश की। एकेडमी ने कानून से दरख्वास्त की है कि वो कंचन के साथ सख्त कार्रवाई करे, ताकि दोबारा कोई ऐसी गलती दोहराने की हिम्मत ना करे। अपने बच्चों में सिर्फ बड़ा सपना देखने का दम मत भरिए, बल्कि उन्हें साकार करने में हर कदम पर उनकी मदद कीजिए, उनकी रहनुमाई कीजिए। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को। सीख हम सबको। जय हिंद।